घर भी लाल, सब्सक्राइब बटन भी लाल, लाल ही लाल। और हमारे साथ बैठे हैं लालों के लाल जिया लाल पाल। तो चले फटाफट से यहाँ पे स्नैक्स करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जितना डिस्टेंस हो जाए उतना डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करने की कोशिश रहेगी। तो अभी यहाँ से निकलने का कोई प्रोग्राम बना नहीं, स्नैक्स किया उसके बाद यार रिलैक्स हो रहे थे। और पूरा का पूरा सामान बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मैनेज है, मैनेज किया है पूरा का पूरा। एक बेड हमने पूरा का पूरा ले लिया, एक टेबल ले लिया, गाड़ी अपने पीछे खड़ी है। तो अभी बिना देरी के फटाफट से इस डिश को ख़त्म किया जाए, बिना देरी के इस डिश को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ख़त्म करके अब सीधा निकलना है रोड पर। कम से कम 3-4 घंटे का यहाँ पर स्टॉप रह गया है और मज़ा बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से ये स्टॉप 10 मिनट के जगह 3-4 घंटों का हो गया। तो चलिए फटाफट में पहले ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो फाइनली वी आर लिविंग, रेडी टू गो बाय। चलो तो अब दिल्ली है, यहाँ से कितना है भाई, 464। सो लेट्स गो नाउ। सो भी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि थ्री लेन में अपने वो लाइट मिलेगा, बट लाइट इधर भी कहीं नहीं है। जो है अपने लाइट पे ही चलाना है। और आई डोंट थिंक यार अब इस वेदर कंडीशन में हम ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि रोड बिल्कुल भी नहीं दिख रही है अब तो यार। इट्स टोटली यार कुछ मीन्स कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से आगे। मीन्स विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। सिर्फ मुझे आगे 1-2 मीटर का ही रोड दिख रहा है, बाकी ऐसा ही लग रहा है यार बादल सामने आ रहे मुंह में सीधा। व्हाट दिस हैपनिंग विथ अस। सो अभी हम पहुंचे हैं पेट्रोल पंप रिफ्यूलिंग कराने के लिए। रास्ता यार बहुत ज़्यादा खराब है, खराब इस वजह से है क्योंकि यार फॉग बहुत ज़्यादा है रोड पे। तो अभी यहाँ पे रुके, इनफैक्ट यहाँ पे भी आए ना तो पेट्रोल पंप तक भी पहुंचने के लिए गाड़ी में फ्यूल बहुत ज़्यादा कम था, अराउंड 50 किलोमीटर जैसा भी बाकी था। मीन्स 2 लीटर या 3 लीटर करीब फ्यूल था वैसे तो, बट यहाँ तक भी पहुँचने के लिए हम यहाँ तक आए। वहाँ पे रास्ते में कोई नहीं था, जो भी थे सब ट्रक वाले साइड में लगा के पार्किंग लाइट चालू करके सो रहे थे। काफ़ी ट्रक तो ऐसी भी थी यार जो रोड पे चल रही है बट उनका बैक लाइट नहीं है, कोई रेडियम नहीं है, कुछ नहीं है। सो केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। अपनी गलती ना होने के बावजूद भी यार कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। सो वी आर राइडिंग केयरफुली, क्योंकि अभी 40-50 जैसा ही चला रहे हैं। अभी चलते हैं यहाँ से आगे, थोड़ी देर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ से आगे। यहाँ से दिल्ली अराउंड होगा, ओए दिल्ली यहाँ से कितना होगा, 236। सो दिल्ली यहाँ से होगा 236 किलोमीटर। मीन्स हम ऑलरेडी आज 12 बजे से अभी तक अराउंड 450 किलोमीटर जैसा कवर किए होंगे और टोटल अराउंड 1050 किलोमीटर्स कवर्ड टिल जुड़े। अभी तो मीन्स थर्ड डे हो गया वैसे तो, बिकॉज 12 बजे अभी अराउंड 3 बजने को होंगे, देख ही लेता हूँ मैं। इट्स 3:46, सो इट इज़ आवर थर्ड डे। और बस मैं दिल्ली पहुँचूँगा और इस वीडियो को वहीं पे क्लोज करूँगा। सो अभी चलते हैं सीधा, फिर वहाँ पे मिलेंगे। ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं यार, फॉग बहुत ज़्यादा है, कुछ भी विजिबल नहीं है। सो अभी बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो अगर हम यहाँ से जाते हैं स्ट्रेट तो आएगा जयपुर अराउंड यहाँ से 10 किलोमीटर से, बट हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट दिल्ली की ओर। अब यार जल्दी से दिल्ली आ जाए, दिल्ली वाली ठंड तो आ गई है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यार, काफ़ी ज़्यादा। सो फ्रॉम हियर दिल्ली इज अराउंड 142 किलोमीटर्स। और पूरी रात ड्राइविंग करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। जो अभी फॉग है इससे अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा फॉग था रात को, कुछ भी विजिबल था ही नहीं रात को। ये तो अभी भी यहाँ से अराउंड 100 मीटर जैसा विजिबिलिटी है, पर रात को अराउंड 1-2 मीटर की ही विजिबिलिटी थी, कुछ भी विजिबल नहीं था। या तो यार इन लोगों के लिए फॉग नहीं है, या तो इनको फॉग की आदत है, क्या है मुझे नहीं पता चल रहा यार। इतना फॉग
कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, फिर भी अराउंड 90-100 के स्पीड में गए हैं भाई यहाँ से। व्हाट डज इट मीन? या फिर इनके पास अंतर्यामी वाली आंखें हैं जो कहीं से कुछ भी ढूंढ लेती है। सो वी आर ओनली जस्ट 115 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली और सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं, मन्नत हो रहा है, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो अभी आगे यहाँ पे मन्नत ढाबा और ऑर्डर किया यार कुछ, तो ऑर्डर किया कुछ ब्रेकफास्ट क्योंकि भूख बहुत ज़ोरदार की लगी थी। पूरी नाइट ड्राइव की है, मीन्स कहीं कहीं पे होटल पे बैठे थे बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा था अपने पास, तो कहीं कहीं पे होटल पे बैठे थे, बाकी पूरी ड्राइव ही की है पूरी नाइट। और अभी यार बस मेरे को सीधा होटल दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ सीधा होटल ही जाना था, पर मेरे भाई ने बोला कि भी रास्ते में है तो ब्रेकफास्ट करते जा रहे हैं, बाकी अब ब्रेकफास्ट करना और सीधा होटल जाना है, होटल चेक इन करेंगे, लगेज अनलोड होगा और सीधा कम से कम मिनिमम 6 घंटे की तो नींद चाहिए यार। 2 दिन से मैं सोया नहीं, इनफैक्ट मैं 3 दिन से नहीं सोया, जब से घर से निकला हूँ तब से मेरी नींद पूरी हो नहीं रही है। तो फटाफट से पहले मैं करता हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से निकलते हैं। सो वी आर नाउ फाइनली लिविंग फॉर द होटल। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था मन्नत का। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आज डेट है 18 नवंबर और आज अपना day 4 है यहाँ पे। और कल का यार, कल का जो लास्ट क्लिप था उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया यार, बिकॉज थके बहुत ज़्यादा थक गए थे और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। हमने सीधा होटल में चेक इन किया और रूम लिया और सो गए, फिर शाम को उठा था बट फेस पे थकान बहुत ज़्यादा थी। सो शाम को ज़्यादा कुछ किया नहीं था, शाम को सिर्फ गए थे गाड़ी में GPS का माउंट लगवाने और गाड़ी में फ्लैशर इंस्टॉल करवा लिया सो हाईवे पे प्रॉब्लम भी ना हो। बाकी कल दिल्ली में कुछ नहीं किए, पूरा का पूरा एक ब्रेक था और आगे हम लोग गए भी नहीं। और आज अभी का प्लान ऐसा था कि अभी हम गाड़ी पे सामान बांध चुके थे ऑलरेडी और निकलने की तैयारी में थे मनाली के लिए, बट यार इशू ऐसा हुआ कि अभी लास्ट में इन तीनों लोगों को गफ्फार मार्केट जाना है, कुछ आईफोन की एसेसरीज लेनी है और अगर कुछ जमे तो वहाँ से लेंगे। और मेरे को भी यार एक रिलेटिव के घर पे जाना था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। सो अभी मैं जा रहा हूँ बदरपुर बॉर्डर, जो कि यहाँ से अराउंड 27 किलोमीटर 53 मिनट का रास्ता है। और ये जो ग्रिप है, ये जो GPS माउंट है, ये मैंने अभी कल ही डलवाया, इंस्टॉल करवाया और एक और चीज़ करवाई जो कि है फ्लैशर, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है यार फ्लैशर का भी। सिटी में फ्लैशर ऑन नहीं करेंगे यार, हाईवे पे मैं आपको फ्लैशर का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा जो कि है प्लग एंड प्ले वाला फ्लैशर, क्योंकि बाकी दूसरे फ्लैशर्स जो थे इंडिकेटर वाले वो यार वो चीप थे, बट यार वैसे भी चीप थे क्योंकि वायरिंग कट हो रही थी और वायरिंग कट करना मैं चाहता नहीं था बिकॉज यार वायरिंग कट हो गई तो वारंटी अवॉइड हो जाएगी और आपको आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी दबी दबी सी आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ करना। हम हैं दिल्ली में और दिल्ली में विदाउट मास्क देर इज़ पेनल्टी ऑफ 500। हेलमेट के अंदर भी दिल्ली में मास्क कंपलसरी है यार, तो थोड़ी सी आवाज़ दबी दबी सी आ रही होगी, इट्स ओके नो इशू, बाकी सब कुछ ऑल गुड। यार दिल्ली के जो रोड्स हैं ना यार, रनवे से कम नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट मीन्स इट इज 12 लेन, मीन्स दिस इज 1 वे सो इट इज 6 लेन, अदरवाइज इट इज 12 वे, 12 लेन रोड यार। फिर भी ट्रैफिक दिल्ली में बहुत ज़्यादा है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। और यार दिल्ली की ट्रैफिक मीन्स हर हम एवरेज में काउंट करूँ ना तो हर 500 टू 600 मीटर्स बाद एक ना एक सिग्नल आ जाता है जहाँ पे जलती होती है रेड लाइट, और रेड लाइट मतलब गाड़ी ऑफ, गाड़ी कर देते हैं ऑफ। और अभी यहाँ से लगने वाला है अराउंड 20 मिनट्स। सो यार आज का दिन यार पता है मैं इस वीडियो में दिल्ली का कुछ भी नहीं डाल पाया हूँ बिकॉज यार हम जिस रिलेटिव्स के घर गए थे तो वहाँ से हमें यार बिल्कुल निकलने नहीं दिया गया। अब क्या कर सकते यार, वो तो रात को भी मैं मान मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ, बहुत मुश्किल से निकला हूँ,
क्योंकि वो लोग अब हमें रुकने, एक तो मैं देखो यार इतनी ठंड में मैं जैकेट भी नहीं पहना हूँ। दिल्ली के रोड्स ऐसे रोड्स मुझे यार जन्नत भी, जहाँ जितने ऐसे रोड्स अगर मिलते हैं ना यार, तो 10,000 किलोमीटर भी गाड़ी अगर चलाना हो ना तो मैं चला लूँ यार, लिटरली यार मैं चला लूँगा। बिकॉज यार रोड काफ़ी अच्छे हैं, इस तरह के लाइटनिंग और ऐसे रोड्स जन्नत में मिलते हैं यार, जन्नत में। वहाँ से यार हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम दोपहर में जा रहे और हम अराउंड 11-12 बजे पहुँचे थे। 12 बजे हमारा प्लान ऐसा था 2-3 बजे निकल के गफ्फार मार्केट घूमने का, बट वो हो नहीं पाया यार। अब क्या कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे भी हमें जो गफ्फार मार्केट से एयरपोर्ट्स लेने थे वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं यार नेहरू पैलेस से। प्राइस रेंज कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस था, बट इट्स ओके यार। दिस इज़ अ शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है। इधर भी लाल सब्सक्राइब बटन भी लाल, लाल ही लाल। और हमारे साथ बैठे हैं लालों के लाल जिया लाल पाल। वाह 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 वाह, एक छोटी सी सुंदर सी शायरी बन गई है। कल रात को हम आए और सीधा खाना तो खा के आए थे, सीधा सो गया, वीडियो एंड करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, तो ये वीडियो को बस यहीं पे रखेंगे। सो इफ यू लाइक दिस शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स आपका है, जो कमेंट जो आपका बेस्ट पार्ट हो वो कमेंट करके बताएं। एंड टिल देन बाय बाय, एंड एज ऑलवेज बी यूनिक बी सेफ।